रामगढ़ पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में 2021 से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को मांदला कला गांव में दबिश देकर गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने सास सकीना व ससुर महमूद को पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया था। इसके अलावा चार अन्य स्थायी वारंटियों को भी गिरफ्तार किया गया है। रामगढ़ थाने पर 27 अप्रैल 2021 को मृतका के भाई मुनवर हुसैन निवासी मंडावा जिला दौसा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में लिखा था कि उसकी बहन की शादी मांदला कला गांव में साबिर खान पुत्र मोहम्मद के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के साथ की गई थी। अपनी हैसियत से बढ़कर बहन की शादी में दहेज दिया था, लेकिन दहेज की मांग को लेकर उसके सास ससुर व पति उसकी बहन को ताना देने लगे। इसके बारे में बहन ने पूर्व में हमको बताया तो हमने उसके सास ससुर व पति को समझाइश करने की कोशिश की, लेकिन दहेज की मांग उनकी बढ़ती गई। उसकी बहन के एक बेटी ने भी जन्म लिया। बेटी होने पर सास ससुर ताना मारने लगे। 26 मार्च 2021 दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल जनों ने उसकी हत्या कर दी और उसे बिना बताए उनका अंतिम संस्कार कर दिया। मांदला कला गांव से एक मिलने वाले का फोन आया कि तेरी बहन की मौत हो गई है। हम परिवार के साथ मांदला गांव पहुंचे तो उन लोगों ने बताया कि कोरोना होने के कारण उसकी मौत हो गई, लेकिन हमको बाद में पता लगा कि बहन की मौत कोरोना से नहीं बल्कि उसकी दहेज के लिए हत्या की गई है। पुलिस ने दी गई रिपोर्ट के आधार पर दहेज हत्या की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया था और पूर्व में ही उसकी सास व ससुर को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी पति फरार चल रहा था। डीएसपी ओम प्रकाश बिश्नोई ने बताया कि दहेज हत्या के मामले में आरोपी साविर पुत्र महमूद निवासी मांदला कला को कोर्ट के धारा 299 के स्थायी वारंटी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वर्ष 2021 में 6 मई 2021 को थाना रामगढ़ में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें परिवादी ने आरोप लगाया था कि उसकी बहन को उसके सास ससुर और उसके पति ने दहेज के लिए प्रताड़ित करके और मार दिया। इसमें दो आरोपी पूर्व में गिरफ्तार हो चुके थे। एक आरोपी साबिर खान को कल गिरफ्तार किया गया था। इसके खिलाफ न्यायालय ने जो है वो स्थायी वारंट जारी कर रखा था। इस मामले में सर डेड बॉडी को बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम किया था। हाँ, इसमें एफआईआर लेट दर्ज हुई थी। परिवादी का आरोप ये था कि ससुराल वालों ने जो है बिना बताए बॉडी को दफना दिया है। इस पर अनुसंधान अधिकारी ने जो है कलेक्टर महोदय से आदेश लेकर के और लाश को दोबारा से कब्र से निकाल रहे थे, पोस्टमार्टम करवाया था मेडिकल बोर्ड से और फिर आगे 25 मिनट।